नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। जय फ्यूचर मेकर साथियों। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज कोर्ट में माननीय राधेश्याम जी को पेश किया जाना था, तो साथियों यह हम सभी के लिए बुरी खबर है कि अदालत ने माननीय राधेश्याम जी और श्री सुंदर सैनी जी को पुलिस द्वारा मांगे गए 10 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है और साथियों उनको 5 नवम्बर के बाद पुलिस रिमांड में लेगी, क्योंकि साथियों पुलिस द्वारा जयपुर, सुनाम, नासिक, गोवा और फतेहाबाद में चल रही जाँच करनी अभी भी बाकी है। और साथियों आप लोगों को एक बात और बता दें कि फतेहाबाद के सतवीर सिंह ने थाना में शिकायत दर्ज की है कि 12 फरवरी 2018 से कंपनी ने उनका पे आउट नहीं दिया है, जो कि उनकी टीम ने 4000 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। और साथियों सतवीर सिंह ने कहा है कि कंपनी ने उनके 28 करोड़ रुपए वापस नहीं किए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। अब साथियों बात करते हैं फ्यूचर मेकर और राधेश्याम जी की। तो साथियों आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम सबका पे आउट सही समय पर प्राप्त हुआ है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि सतवीर सिंह जी राधेश्याम और फ्यूचर मेकर कंपनी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। पर मेरा दिल कहता है कि हमारे भगवान राधेश्याम जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो साथियों आपको क्या लगता है, सतवीर सिंह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ये हमें कमेंट में जरूर बताना। और रही बात फ्यूचर मेकर कंपनी की, तो फ्यूचर मेकर कंपनी जरूर स्टार्ट होगी, ये हम सबका विश्वास है। तो साथियों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि PSEL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।